हेलो निडर्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विथ अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये सिंपल सा फोर लाइन का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही इजी टू रिमेम्बर है, आसानी से याद करके आप इसको निट कर सकते हैं। चार लाइन का डिज़ाइन है इसलिए जल्दी बन भी जाता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन के लिए फंदे जो है 11 के मल्टीपल में डालने हैं और 6 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। तो मैंने ये 11 के मल्टीपल में लूप्स कास्ट ऑन किए हैं प्लस 6 लूप्स मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। तो मैं पहले अब मैंने ये एक छोटा सा बॉर्डर बनाया है, आप जैसा बॉर्डर चाहे वैसा बना सकते हैं। पहला फंदा मैं स्किप करूँगी और सभी फंदों को नेट करूँगी। ये मेरी डिज़ाइन की फर्स्ट रो है, सभी फंदों को मैं नेट कर लूँगी इस फर्स्ट रो में। लास्ट के फंदे को मैं एच लूप को मैं उल्टा बुनाई करूँगी हमेशा। ये मैंने सभी फंदों को नेट कर लिया है और एच लूप को उल्टा बुनाई किया है। पहले फंदे को स्किप करूँगी, धागा आगे करके सभी फंदों को उल्टा बुनाई कर लूँगी। ये मेरी सेकंड रो है, रॉन्ग साइड रो, सभी फंदों को पर्ल नेटिंग कर लूँगी। सेकंड रो, रॉन्ग साइड रो फिनिश हुई। थर्ड रो, अब मैं डिज़ाइन की थर्ड रो बनाऊंगी। इस थर्ड रो में मैं अपने सेकंड कलर को अटैच करूंगी और डिज़ाइन डालूंगी इस तरीके से। ये एज लूप को मैंने निट किया, अब डिज़ाइन के फोर लूप 1, 2, 3 एंड 4, इन फोर लूप्स को निट करेंगे। फिर उसके बाद एक फंदे को स्किप करेंगे इस तरीके से और फिर से एक फंदे को निट स्किप और ये निट देन स्किप। तो हमने कितने फंदे स्किप किए? 1, 2, 3, 4, हमने 4 येलो लूप्स को स्किप किया है। उसके बाद 4 निट आएंगे, 1, 2, 3 एंड 4, फिर से स्किप निट, फिर से 4 लूप हो गए हमारे, 1, 2, 3, 4, 4 को हमने फिर से स्किप किया है यहाँ पे। अब 4 निट, 1, 2, 3 एंड 4, और लास्ट के एज लूप को उल्टा बुनाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट हुई। अब फोर्थ रो में हम पहले फंदे को स्किप करेंगे और ये 4 लूप्स को निट करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। 4 फंदों को निट करने के बाद हम धागा आगे करेंगे और स्किप को स्किप कर लेंगे दोबारा से और इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, स्किप करेंगे फिर उल्टा बुनेंगे, फिर से स्किप करेंगे और फिर उल्टा बुनेंगे स्किप, और उसके बाद स्किप के बाद इन बीच के गैप वाले 4 फंदों को धागा पीछे करके हम नेट करेंगे, सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। जो गैप के रहेंगे वो नेट किए जाएंगे। धागा आगे करेंगे अपनी तरफ, स्किप वाले को उतारेंगे और ग्रीन को उल्टा स्किप, फिर उल्टा बुनाई स्किप, पर्ल निटिंग स्किप, और उसके बाद लास्ट स्किप के बाद धागा पीछे करके 4 फंदे हमारे नेट होंगे। और लास्ट का फंदा एज लूप हमेशा हम उल्टा ही बुनाई करेंगे। इस तरीके से हमारा ये 4
रोज़ का फोर लाइन का डिज़ाइन जो है कंप्लीट हुआ है। हम फिर से अब फर्स्ट रो अपनी रिपीट करेंगे। फर्स्ट रो हमारी क्या थी, येलो से हमें कंप्लीट रो को निट करना है। कंप्लीट रो को फर्स्ट रो रिपीट कर रही हूँ मैं, निट कर लेंगे। ये मैं फर्स्ट रो बना रही हूँ। इस स्किप वाले को आप इस तरीके से नेट करिएगा, बैक से लेते हुए इस तरीके से सामने आएगा तब वो सामने की तरफ नेट दिखाई देगी। तो ये मैं फर्स्ट रो इस तरीके से नेट कर लूँ। लास्ट एज लूप को हम उल्टा निटिंग करेंगे। रॉन्ग साइड रो, पहले फंदे को स्किप करूंगी और सभी फंदों को हमें पर्ल निटिंग उल्टी बुनाई रॉन्ग साइड से। ये सेकंड रो है मेरे डिज़ाइन की, मैं इसको कम्प्लीटली उल्टा बुनाई कर लूंगी। सेकंड रॉन्ग साइड रो कम्प्लीटेड। थर्ड रो राइट साइड रो, ग्रीन कलर यूज़ करूंगी सेकंड कलर अपना। थर्ड रो से हमें अपना सेकंड कलर यूज़ करना है। एज लूप को हम निट करेंगे। इस बार जब कलर चेंज करना है तो एज लूप को हम नेट करेंगे और उसके बाद चार नेट इस तरीके से, और उसके बाद स्किप देन नेट, स्किप नेट, स्किप नेट, हमें चार स्किप करने हैं। 1 2 3 4 फोर येलो स्किप हो गए, हमें चार नेट करने हैं। 1 2 3 4 यहाँ फोर नेट, यहाँ बीच में फोर नेट, उसके बाद स्किप देन नेट, स्किप देन नेट, इसी को स्किप कर रहे हैं जो पहले स्किप किए थे हम। ये जो चेन बन रही है, स्किप देन नेट, स्किप, और उसके बाद फोर नेट। थर्ड रो राइट साइड रो, एज लूप उल्टा बुनाई किया जाएगा पर्ल नेट। अब हम फोर्थ रो लास्ट रो पे हैं डिज़ाइन की, रॉन्ग साइड रो, एज को स्किप करने के बाद चार नेट आएंगी, यहाँ पे फोर नेट आएंगी इस तरीके से। उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, आगे की तरफ स्किप करेंगे पर्ल उल्टा बुनाई, मतलब पर्ल मीन्स उल्टा बुनाई, स्किप उल्टा बुनाई, फिर से स्किप करेंगे और उल्टा बुनाई करेंगे, एक और स्किप है, फिर उसके बाद चार उल्टे बुनाई हैं, सॉरी उल्टा नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे तो नेट आएगा, सीधा बुनाई आएगा। लास्ट स्किप के बाद हमें सीधा बुनना है बीच के चार फंदों को। जो चार फंदे हैं डिज़ाइन के वो हमेशा नेट किए जाएंगे रॉन्ग साइड से। ये लास्ट रो है मेरे डिज़ाइन की, फोर्थ रो, साइड के ये चार लूप नेट डिज़ाइन के, और लास्ट लूप हमारा पर्ल। तो इस तरीके से ये चार लाइन का डिज़ाइन जो है आगे बढ़ता जाएगा। फिर से मैं फर्स्ट रो रिपीट करूंगी और इस डिज़ाइन को आगे इसी तरीके से बनाती जाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने डिज़ाइन की फोर लाइंस को बनाती गई हूं और ये डिज़ाइन आगे बढ़ता गया मेरा पैनल। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन जो है आगे रिपीट होता जाएगा। आप फोर लाइंस को रिपीट करते जाएँ, डिज़ाइन बढ़ता जाएगा। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।